मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ आज अपने एक दिन प्रवास पर इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम कमलनाथ ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित हुए सीआईआई के एक प्रोग्राम में भी पहुंचे। यहां उन्होंने सीआईआई द्वारा मनाया जा रहा 125वां स्थापना दिवस में भाग लिया। वहीं इस कार्यक्रम में बिजनेस और बियॉन्ड विषय पर एनुअल कॉन्फ्रेंस में सीएम कमलनाथ ने अपने विचार रखे। सीएम कमलनाथ ने कहा कि सीआईआई ग्लोबल फुटप्रिंट है। वहीं विश्व में बदलाव होने के साथ साथ भारत में भी बीते 10 से 20 सालों में बदलाव हुआ है। साथ ही टेक्नोलॉजी लगातार बदल रही है। आज तक हम 4G में जी रहे हैं, अब 5G की बात शुरू हो गई है। टीवी का उदाहरण देकर उन्होंने कहा कि जब तक हम रिमोट ऑपरेट करना सीखते हैं तब तक नई टीवी मार्केट में आ जाता है। वहीं उन्होंने इस मंच से नया नारा देते हुए कहा कि वक्त सर्वाइवल ऑफ फिटनेस के साथ ही रिवाइवल ऑफ वीकेस्ट का भी है। वहीं अपने विदेश प्रवास की बातें साझा करते हुए उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की पहचान को बदलना जरूरी है। अभी तक मध्य प्रदेश को गैस त्रासदी वाले प्रदेश के रूप में जाना जाता है, जिसे हम बदलना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास कई तरह की प्राकृतिक संभावनाएं हैं, जिसने ज्यादा से बेहतर इस्तेमाल के लिए काम करना है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि रोजगार सिर्फ आर्थिक व्यवस्था का एक तत्व है, इसलिए व्यापार को भी बढ़ाना होगा। सीएम ने निवेश को लेकर कहा कि निवेश को विश्वास की जरूरत होती है, जो डिमांड से नहीं प्रयास से बढ़ता है। इस दौरान सीएम ने व्यापारियों द्वारा पूछे गए सवालों के बीच जवाब दिए, जिसे वह मौजूद लोगों ने जमकर सराहा। इंदौर से संवाददाता जीवन ठाकुर की रिपोर्ट। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह के टाइम का जो एनपीआर है वो आएगा बिहार में, मध्य प्रदेश सरकार क्यों कह रहे हैं? अगर बिहार में ये कह रहे हैं जो भाजपा के साथ गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो उनके गठबंधन के पार्टनर हैं, तो अगर हम कह रहे हैं हम गलत हैं, पर वो कह रहे हैं वो सही है। सर एक मिनट, सर आपसे एक छोटा सा मेरा निवेदन था एज ए सीनियर पर्सन। सर IIFA हो रहा है, अवार्ड्स वो हो रहा है सर, सर चूंकि हम इंदौर के हैं सर, आईफा हो रहा है, वी आर नॉट अफोर्ड 2 lakh सर देखिए तो ये करने के आप एक बात सुनिए, ये गवर्नमेंट का फंक्शन नहीं है। मैंने तो उन्हें आमंत्रित किया क्योंकि मैं उन्हें जानता था, मैं तो आईफा को नहीं जानता। सर, सर, मैंने उन पर जितना दबाव डाल सकता था मध्य प्रदेश के लिए, इंदौर के लिए, मैंने डाल के आईफा सर थोड़ा सा रास्ता मध्य आईफा का एक पहचान बने, आईफा अपने मध्य प्रदेश की पहचान बने, एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय फंक्शन हो या पहले टेलीविजन अवार्ड्स हुए, अब आईफा हो रहा है, इससे लोगों की नज़र पूरे देश में मध्य प्रदेश पर जाती है। आप चेन्नई के सड़कों में चलिए, आप पूछिए उनसे कि आप मध्य प्रदेश कहाँ हैं, वो आसमान की तरफ देखने लग जाएंगे। उनसे पूछिए कि इंदौर कहाँ है, उनसे पूछिए सागर कहाँ है। तो ये सब बातें आज मध्य प्रदेश की पहचान बने, मध्य प्रदेश का प्रोफाइल बने, ये मेरा लक्ष्य है। ये गवर्नमेंट का इवेंट नहीं है। कोई रास्ता निकाल दीजिए सर, प्लीज। देखिए CIA और जो उद्योग क्षेत्र है, जो व्यापार क्षेत्र है, इनके सुझाव बहुत आवश्यक है, क्योंकि गवर्नमेंट को इसकी समझ नहीं होती। हम कहें कि हम सब समझते हैं, हम पूरा उद्योग समझते हैं, हम व्यापार समझते हैं, बहुत बड़ी भूल किसी भी सरकार की होती है। हमें तो ये सुझाव लेने हैं, कैसे ये सुझाव हैं, इसका क्या परिणाम है, ये कौन से क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, ताकि हम मध्य प्रदेश में एक ऐसी नीति बनाएं जहाँ निवेश आए, आर्थिक गतिविधि बने, रोजगार के मौके बने, ये हमारा लक्ष्य है। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश में निवेश आएगा, मध्य प्रदेश में आर्थिक गतिविधि बनेगी, और ये हमें नहीं भूलना चाहिए जो मैंने अभी कहा था कि हमें आगे का सोचना है। ये बदलती हुई दुनिया, बदलता हुआ समय बहुत आवश्यक है हमें इसे पहचाने। समय बदल जाता है, देश बदल जाता है, पर अगर हम खुद ना बदलें तो हम पीछे रह जाएंगे। सर, दिल्ली में लगातार लेकर क्या कहना है आपका, दिल्ली में जो राइट्स हुए हैं? बड़ी दुख की बात है, बड़ी चिंता की बात है, ऐसा वातावरण बने जहाँ इस प्रकार के दंगे हुए हैं।
दंगे की तो सब निंदा करते हैं, पर अपने देश की संस्कृति भाईचारे की संस्कृति है, अपने देश की संस्कृति दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, सबको जोड़ के रखने की है। और अगर कोई वातावरण या कोई ऐसी नीति बने जिससे ये भंग होए, तो आम नागरिक को इस देश में ये बात समझनी चाहिए कि इसका क्या कारण था, इसका क्या कारण था। आज कोई वॉर चल रही है, आज कोई रेफ्यूजी आ रहे हैं, सीए का चक्कर चला दिया, 12 बजे तक संसद में इसकी बहस हो रही है, कोई वॉर थी, कोई रेफ्यूजी आ रहे थे, मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, उसमें सीए में है क्या, वो बात छोड़िए, पर इसकी कौन सी आफत थी कि ये, अगर एक कौड़ी भर भी शक होता कि लोग इसे सोचे जाने या अनजाने ऐसा भ्रम होगा, क्यों करने की आवश्यकता, जब कोई ऐसी आफत नहीं, कोई वॉर नहीं, कुछ नहीं। और ये हमारा पॉपुलेशन का सर्वे तो होता ही रहता है, अब इस प्रकार का भ्रम इसमें पैदा हो जाए कि लोग सोचें कि हम असुरक्षित हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, इसका क्या लक्ष्य है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.